एक चीज और बता दूं बिफोर यू बिफोर वी गो एनी फर्दर, ये एक कुकरी शो है जी, जहां पर एक नौसिखिए को, एक विद्यार्थी को एक उस्ताद खाना बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन वो एक बात बताना भूल गया है कि बेटा तुमने मिर्ची को हाथ से धोया उसको अच्छा आप लगा लिए हो, अब मेरा जो चेहरा है वो जल रहा है और गुस्सेला लग रहा है, आप लाल हो और गुस्सेला लग रहा है। वो देखिए, ये देखिए, देखिए उस्ताद ने इस नौसिखिए को ये नहीं बताया कि भाई जिस हाथ से तुमने मिर्ची काटी है मुंह से मत रखना, आई एम ऑन फायर। अभी विलन लग रहे हैं ना सर, अब आंख लाल है, आंख से पानी है, मुंह लाल हो चुका है, आप एकदम पूरा भी विलन लग रहे हैं, आप बताइए कि इतना नेगेटिविटी कहां से आता है। सीधी सी बात ये है कि एज एन एक्टर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट द बनाना चिकन रेसिपी, ही इज द शेफ। सिमिलरली आई एम नॉट द कैरेक्टर, आई एम द एक्टर who creates this character and that character. So the moment you can recognize and differentiate between your recipe, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, leadership मेरे लिए same चीज़ है। लोग कहते हैं कि इंसान क्या है, मुझे लगता है कि हम में से हर एक कोई leader है, हमें choose करना है हम किस चीज़ में leadership करेंगे। क्या हम सिर्फ एक चीज़ में leadership करें, ये कहते हैं कि मैं बनाना chicken के अलावा और कुछ नहीं बना सकता, तो कैसी चलेगी जिंदगी, नहीं चलेगी। तो उसी तरीके से एज एन एक्टर, एज अ शेफ, वी शुड हैव द एबिलिटी टू क्रिएट मेनी रेसिपीज, एंड दैट्स व्हाट माय वर्क इज ऑल अबाउट। जी, ये मेरा शो हालांकि पॉलिटिकल मुद्दों पे रहता है, किचन में करता हूँ, चीजें पॉलिटिकल होती है। सर आपको अगर मैं बोलूँ कि कैन यू ड्रॉ अ सिमिलैरिटी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड अ किचन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, राजनीति और पाकघर में क्या सामंजस्य हो सकता है? देखिए, मेरे लिए राजनीति को एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में से बियॉन्ड, मैं राजनीति को लीडरशिप की एक चीज मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है जब हम इस चीज को लीडरशिप के तरीके से देखें, एज अ लीडर वन इंस्पायर्स पीपल टू डू मेनी थिंग्स, ऑलराइट। जब आप अच्छा खाना खाते हैं ना, तो लोग ऐसे नहीं खाते, लोग कहते हैं यार बहुत है, सो दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? वी वांट पीपल टू हैव अ चेंज इन एक्सप्रेशन, अरे यार बहुत। लीडरशिप फॉर मी इज आल्सो दैट, कि आप लोगों को ऐसा इंस्पायर कर सके, लोग कहें यार मजा आ गया, मुझे आपके साथ चलना है, आप जो भविष्य दिखा रहे हैं मुझे उसमें यकीन है। फॉर मी पर्सनली लीडरशिप इज द एबिलिटी फॉर पीपल टू एक्चुअली स्पीक इन टू डिसबिलीफ। भाई ये मिर्ची जो है ना आंखों में घुसी जाती है, और आई एम एंजॉयिंग दिस, डोंट वरी, मिर्ची जो है ना मेरे चेहरे पे घुस चुकी है, आंखों में घुस दी है, सो आई एम लिटरली ऑन फायर एंड लाइक हाउ एंड लाइक हाउ, सो वी आर ऑल ऑन फायर। शेफ ने आपको दो चीज नहीं सिखाया, सबसे पहले तो नहीं सिखाया कि मिर्ची कटा हुआ हाथ आपको धोना चाहिए था, दूसरा चीज शेफ ने नहीं बताया कि तवे पे बिठाया हुआ जो चीज है उसको बीच बीच में देखना चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भी जल जाएगा। लेकिन आप सीधे हैं जो मैं, बिकॉज़ आई एम प्रोफेशनल, देख रहा हूं इस चीज। तो सबसे पहले तो आप बताया कि इस बार आप जमाई के नाते आए जी, तो इस बार आप बहुत घूम रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, वजन भी बढ़ा रहे हैं, सबसे लजीजदार चीज क्या खाए आप? तो मैंने जैसे बताया कि टून माही के घर में बहुत कमाल का मैंने खाया, उसके बाद मैंने रुक्मिनी के हाथ में पॉप के घर में बहुत कमाल का खाया, लेकिन एक जगह जहां बाहर जाकर मुझे बहुत अच्छा खाया वो है अशोक स्वीट्स। अशोक स्वीट्स, रसगुल्ले, रसगुल्ले, और आज सुबह जाकर मैंने वहां पर खाया तो अमेजिंग समोसा है, एकदम। एंड मुझे एक मेरा ऐसा हमेशा ऐसा फील होता है जब जब मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पर मालिक खुद पकाता है, खाने में इन्वॉल्व है जी, पता है मेरा ऐसा मानना है वहाँ पर सचमुच अच्छा खाना मिलता है, पूछिए क्यों, प्यार मोहब्बत भी शामिल हो जाता है, क्योंकि इनकी इनकी रोजी उसके साथ जुड़ी जी, है जी, 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 एक बड़ी कंपनी नहीं है जो इन्वेस्टर्स के पैसे पे चलती है, सो आई रियली थिंक दैट एनी बिजनेस व्हिच इज रन इन अ पर्सनल वे दैट इज व्हाट, एंड देयरफॉर फॉर मी food from a small shop is something that really works. Yes. थोड़ा सा खाने से निकाल के जी, पहला सवाल, what is the basic difference between 57 and 60? So really 57 और 60 में क्या अंतर है? 57 और 60 एक तो आंकड़े का फर्क है जी, और वैसे अगर हम देखें I have a certain relationship with age. जी. Age की खासियत यह है कि
you and I, whatever is our age, we are living that moment, correct? Right. But somebody else will talk about your age. Yeah. Mm. It could be a passport officer. It could be a doctor. It could be a person who comments on you. Yes. But basically, for each one of us, कोई भी जो सुन रहा है, हमारे लिए age matter नहीं करता क्योंकि वही हमारे पास है. आप समझ रहे हैं? जी. तो personally मेरे लिए 57 को भी अगर मैं respect कर सकूँ, 60 को भी respect कर सकूँ, जैसे मैंने 18 को respect किया था, तो all is well. Secondly, एक और चीज़ मैं personally मुझे लगता है कि हम लोग ना we romanticize. याद है बचपन क्या कमाल था यार, ये सब टेंशन नहीं होता था, याद है ना आपको? Yeah, yeah. So we all romanticize. याद है स्कूल डेज यूज्ड टू बी सो मच फन. माय फ्रेंड आई डोंट नो अबाउट यू, फॉर मी स्कूल टाइम वाज वेरी मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड, हमेशा फेल होने का डर रहता था. कभी भी एग्जाम में फेल हो सकते हैं. आजकल हम लोग बड़े हो गए, हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वी हैव गॉट आवर ओन चैलेंजेस. पर मैं बहुत साफ हूँ, ठीक उस तरीके से जैसे बचपन में हमारे सामने चैलेंजेस थे, बचपन में हम उन चैलेंजेस को पूरा करते थे, आज भी हम उन चैलेंजेस को पूरा करते हैं. देयरफॉर फॉर मी 57 हो या 60, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कैन वी लिव आवर टुडे अमेजिंग. जब इस चर्चे पे आप आए थे कि 58 और 60 में आप कहते कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आप बूढ़े नहीं, मैं 60 का नहीं हूँ, मैं 60 का नहीं हूँ, आप मेरे को मेरी उम्र की वजह से मेरा मजाक मत उड़ाइए सर. उसके बाद आपने ये भी कहा था कि आपने शादी का निर्णय इसलिए लिया था कि आप दुनिया घूमना चाहते हैं और किसी के साथ आप घूमना चाहते हैं. कहाँ कहाँ घूमे हैं शादी के बाद? तो शादी के बाद सिर्फ घूमना, सिर्फ वो फिजिकली यहाँ से वहाँ घूमना नहीं. मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी हम सबके लिए एक जर्नी है जी. और मैं कई सालों पहले समझ गया हूँ कि मेरी जर्नी में मुझे लोगों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है, है ना. और वो सिर्फ ऐसी बात नहीं कि आप किसी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अभी भी हम जिंदगी के बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस ट्रैवल विद अदर्स. आई रियली एंजॉय ट्रैवलिंग विद अदर्स एंड देयरफॉर आई वाज वेरी क्लियर दैट एट द एज दैट आई वाज एट, आई एम वेरी क्लियर दैट आई वांटेड टू ट्रैवल विद समवन. And that is why I asked the universe and I got... So why we were talking about the ages is nothing. We just celebrate our time. Exactly. Atul ji ko dekhiye, Atul ji ko bol, aap bol nahi payenge kitna umar hai unka. Atul ka, then very clearly she is 35. To usko kaun si badi baat. You know my son, you already passed out from graduate. Achha. Fantastic. Yeah. Super. So exactly Atul, I personally think... In log age defying hai. Exactly. Age inke paas. Ek cheez bahut zaruri hai ki agar aap apne आज को रिस्पेक्ट कर सकें देन एज डज नॉट मैटर. और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत लोग आपके उम्र को लेकर कई बार मैं लोगों को कहता हूँ यार डोंट साइन माई रेजिग्नेशन लेटर, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ और करना है, है ना अब्दुल. आप भी समझ पा रहे हैं कि आपको भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तो घबराइए मत. कोई और आपको कह रहा है तुम बूढ़े हो गए तो क्या, फॉर एग्जाम्पल आई लव टू वर्क, आई लव टू ट्रैवल. And I love to do so many other things. Sir, कभी कभी मन में ये आ जाता है कि बूढ़ा होगा तेरा बाप. हाँ, अरे क्यों? बूढ़ा है मेरा बाप.